third technique of the prediction is flow prediction. Flow prediction is continuous prediction where one operation is completed on one product, then moves on to the next operation. एक ही चीज continuously बन रही होती है, bulk में बन रही होती है. इसको हम इसीलिए mass production of standardized products भी बोलते हैं. जैसे कोका कोला बन रही होती है, पेप्सी कोला बन रही होती है, या कोई और चीज जो फ्लो में बन रही है और एक ही चीज कॉन्टिन्यूसली बनी जा रही है, तो उसको हम फ्लो प्रोडक्शन कहते हैं. मैस प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स में सारे वेरिएशन पॉसिबल नहीं होती. एक ही तरह की कोका कोला में वेरिएशन पॉसिबल नहीं, जिस तरह की बन रही है बस उस तरह की बन रही है. कस्टम मेड कोका कोला कोई नहीं होती, जो मार्केट से मिलती है वही लेते हैं क्योंकि वो फ्लो प्रोडक्शन पर ही बनी होती है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो प्रोडक्शन टेक्निक बोलते हैं. फ्लो प्रोडक्शन की अगर हम एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स की बात करें, तो हमें पता चलेगा कि फ्लो प्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड एक्सपेंसिव कैपिटल इक्विपमेंट यूज किया जाता है. और वो जो कैपिटल है लेकिन वो काफी एफिशिएंट होता है क्योंकि इसमें कंपटीशन इस तरह की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है, और फिर आपको एफिशिएंट और कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करना बहुत ही जरूरी होता है. और इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट है कि द बिजनेस मस्ट हैव द स्टडी डिमांड, हाईली स्टडी डिमांड. कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए और बल्क में होनी चाहिए, तभी जो फ्लो प्रोडक्शन है वो सूट करती है. कमिंग टू द एडवांटेजेस ऑफ फ्लो प्रोडक्शन, लो यूनिट कॉस्ट, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही होती हैं, प्लांट एंड मशीनरी पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी में लेबर एक्सपेंस भी नहीं होते, तो ऑल दिस रिजल्ट्स इन द लो पर यूनिट कॉस्ट. Because of high economies of scale, because of low dependency on labor, because of capital efficient techniques. अच्छा, ये वाली जो प्रोडक्शन टेक्निक है अगर हम इस पर गौर करें तो देर आर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ एरर्स. डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स नहीं बनती. तो लेसर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, उसका भी फायदा होता है. अच्छा, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, सबको एक ही जैसी चीजें मिलती हैं. दैट इज अ यूएसपी फॉर द बिजनेस टू. Unique selling point. और फिर fast production होती है, high volume production होती है. Coming to the limitations of this technique. First of all, it requires high investment in the capital investment. और वो हर बिजनेस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो बड़े बिजनेस ही उसे अफोर्ड कर सकते हैं. फिर इनफ्लेक्सिबल है क्योंकि आप सिर्फ स्टैंडर्डाइज चीजें बनाते हैं. Employees are doing only one kind of work, they can find it boring.
These are the advantages and disadvantages of flow prediction technique.